आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। प्रॉपर्टी के विवाद में सगे भाई ने सगे भाई की गड़ासे से काट कर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामला पिपराइस थाना क्षेत्र के मुगलान गांव का, तीनों नामजद अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस भ्रमरशील रहकर रही अलर्ट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में है कुछ भ्रम की स्थिति। गोरखपुर पुलिस भ्रम दूर करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। किसी के बहकावे में आकर भ्रमित न हो युवा, होगी उत्पादी दल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। चार अंतरराज्यीय छाते चोरों को चिल्लाताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। चोरी की 3-4 पहिया मालवाहक गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, गैस कटर मशीन, 1 देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 5.5 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले पास्को में वांछित अभियुक्त महेंद्र यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिला अस्पताल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक बनाया जाएगा एम्बुलेंस के लिए जिले का पहला ग्रीन कॉरिडोर, ताकि मरीजों की बच सके जान। पुलिस विभाग और 108 एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक कर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो शातिर मोबाइल चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरियों का मोबाइल, 1 अवैध देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पुलिस लाइन से सदर अस्पताल के लिए बने ग्रीन कॉरिडोर का एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। एसपी ट्रैफिक ने कहा, गंभीर मरीजों को रेफर के बाद जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुँचाने का रहेगा प्रयास। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले सामूहिक योग के प्रति जागरूकता के लिए पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। लोगों को 21 जून को वी पार्क में आयोजित योग शिविर में शामिल होने की गई अपील।